50. Hello? हाँ ज़ारा, तुमने कॉल किया था? बाबा वांटेड मी टू इनवाइट यू फॉर डिनर। नहीं यार, आज नहीं आ सकता, बहुत थका हुआ हूँ। क्यों, कोई प्रॉब्लम है क्या? तुम्हारे अब्बू से मिलना काफ़ी ऑकवर्ड हो जाता है। ऑकवर्ड होने की कोई बात नहीं है, बाबा ने बहुत प्यार से बुलाया और दादा वो भी तुमसे मिलना चाहते हैं। आई डोंट नो व्हाई माय फैमिली लव्स यू सो मच। यार आई डोंट केयर तुम्हारी फैमिली मेरे बारे में क्या सोचती है, तुम प्यार करो वही काफ़ी है। एयू डोंट बी सो चीप और मत आना तुम। अच्छा सुनो, मैं तुम्हें बाद में कॉल करता हूँ, ठीक है? मत करना। तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? मुझे वली ने बोला था कि 6 बजे तक आ जाओ, तब से मैं बैठा हूँ। यार वली होता कौन है तुम्हें यहाँ पे बुलाने के लिए? तो बीसी तुम वली से पूछो ना, उसने तो मुझे बोला था कि तुम आ जाओ। Give me the fit in more. Hi guys. Good save. कमीने, मुझे खुद 6 बजे बुला के 7 बजे आते हो। सॉरी यार, वो अम्मी के साथ गया था, उनको थोड़ा काम था। अच्छा तो तुमने मुझे बुलाया कि मैं इसके साथ बैठे खुआ रू? यार ये तो अपनी लालच अपने मुंह पे रखो, चलो कुछ खाने चलते हैं, मुझे सुबह से कुछ खाया नहीं है, बहुत भूख लग गई है। देखो मोहसन, मैं कह रहा था ना मेरे घर पे भिखारी आते हैं। ऐसा करें, एक आप बड़ी पानी की बोतल लेके आ जाएं, एक स्प्राइट की कोल्ड ड्रिंक लेके आ जाएं, एक मिरिंडा और एक आप लार्ज पिज़्ज़ा लेके आना, हाफ करके, हाफ चिकन पेपरोनी और हाफ चिकन टिक्का, ठीक है? यार तुमने पेपरोनी पिज़्ज़ा क्यों मंगाया यार, उस पेपरोनी में तो बीफ होता है, मैं बीफ खाता ही नहीं हूँ। भाई हर कोई बीफ खाता है यार। हाँ तो तुम पिज़्ज़ा से पेपरोनी निकाल देना। क्या आइडिया दिया यार। यार तुम्हें क्या हो गया है, वापस तुम अपने एसोल मोड में चले गए हो। हाँ तुम एक अच्छे आदमी हो, लेकिन कभी कभी तुम वाकई में वो फिर अपने एसोल मोड में चले जाते हो। As I can't be a pleasing उठाओ like you all the time. उठाओ? You're calling me an उठाओ? Just because I'm a nice person, so that makes me an उठाओ? यार साफ साफ बात है, जो तुम मुझे बोल रहे हो ना, इसलिए बोल रहे हो कि तुम मेरे से जलते हो। जेलस? और मैं, तुम्हारे पास है क्या जो मैं जेलस बनूं? अंदर रे नहीं है वलीद, इस पे बस अल्लाह वास्ते का पैर चढ़ गया है। अल्लाह वास्ते का पैर क्या होता है? इसको मुझसे हुआ है, मुझे इससे कुछ नहीं हुआ। अच्छा तुम्हें कुछ नहीं हुआ है, तो बिना वजह मेरे पीछे क्यों पड़े हो? यार ये किसी के पीछे नहीं पड़ा हुआ, ये बस है ही ऐसा। अबे तू क्यों बकवास कर रहा है? इसको छोड़ो, तुम्हें मुझसे क्या प्रॉब्लम है? तुम हिपोक्रेट हो ये प्रॉब्लम है, तुम दिखावा करते हो ये प्रॉब्लम है, और तुम समझते हो तुम सबसे बेहतर हो ये प्रॉब्लम है। और सब तुम्हारे खानदान में चाइल्ड लेबर होता है, तो तुम क्यों बकवास कर रहे हो? चाइल्ड लेबर से तुम्हारा क्या मकसद है, क्या बोलना चाह रहे हो तुम? बोलना तो मैं कुछ नहीं चाह रहा, बस तुम्हें और तुम्हारी फैमिली को जेल में होना है। पाकिस्तान में बच्चे काम कर रहे हैं, इस बात के ऊपर मुझे जेल में क्यों होना चाहिए? बच्चे तो मेरे घर पर भी काम करते हैं, कैप्टन मुझे भी जेल में होना चाहिए। देखो बात सीधी है, चाइल्ड लेबर जो है वो बेशक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड से पढ़ता होगा, लेकिन तुम एक चीज़ नोट करो, अगर हम लोग उनको नौकरियाँ नहीं देंगे, हम लोग उनको पढ़ाएंगे नहीं, तो वो लोग गलत हाथों में पड़ जाएंगे, वो ड्रग्स में पड़ जाएंगे, वो लोग चोरियों में पड़ जाएंगे, वो गलत कामों में पड़ जाएंगे, भीख मांगना शुरू कर लेंगे, तो ये हम सब चीज़ें बचा रहे हैं। और तुम खुद सोचो फ्यूचर में उनका क्या हाल होगा। एनी थिंग, मैं ये समझ रहा हूँ कि हम लोग फ्यूचर में लोगों को बचा रहे हैं। मेरी अम्मी उनको पढ़ाती है, मौलवी साहब से भी मेरे साथ बैठ के पढ़ते हैं, हमारे घर पर उनको खाना मिलता है, चैन की नींद सो पाते हैं, और उनको मेरे अम्मी अब्बू कपड़े भी अच्छे लेके देते हैं। मेरे हिसाब से चाइल्ड लेबर एक बुरी चीज़ नहीं है, अगर बच्चों को तुम ग्रूम कर रहे हो, उनको तुम बेहतर इंसान बना रहे हो।
अनलेस अगर तुम उन लोगों को मारते हो जो तुम मोस्ट प्रॉब्ली करते हो। मेरे घर में पहले वो बच्चे कभी काम नहीं करते और ना कभी करेंगे। वसूल में उनको 5,000 रुपये क्यों दूँ जब वो आधा काम ही नहीं करते। तुम उनके साथ पहली बार तो ऐसा सलूक करते हो जैसे तुम उनके मालिक हो, और सिर्फ तुम नहीं तुम सब लोग। तुम सबसे मतलब तुम्हारा क्या है? तुम सब सिंधियों को टारगेट कर रहे हो, बड़ी पंजाबी। पंजाबी फर्स्ट ऑफ ऑल मैं कराची में रहता हूँ, पंजाबी कैसे हुआ? और तुम क्या बोल रहे हो? तुम तो शेर की पार्टी में ठप्पा लगाते हो, लग गया ना पीछे तुम्हारा ठप्पा। और तुम मेरे पीछे क्या लग के मुझे बोलते आ रहे हो? ये तो अपने भाई को सपोर्ट करता है। कैसा भाई? तुम जानते हो कौन सा भाई? भाई के बारे में कुछ नहीं बोलो, गोलियाँ तैयार हो जाएंगी। भाई मैं किसी भाई को सपोर्ट वोट नहीं करता। और तुम इसके पीछे क्या पड़े हो? तुम तो अपने सही को मानते हो ना? क्या मतलब मेरा फायदा है क्यों ना करूँ? हाँ तुम्हारा फायदा, और मुल्क का क्या? बुरा मत मानना बट नोबडी केयर्स अबाउट अ कंट्री ओवर हियर, एवरीबॉडी इज बॉर्न सेल्फिश। तुम भी सेल्फिश हो, ये भी सेल्फिश है, और मैं भी, हम सब हैं। यार देखो मैं तुम्हारी तरह सेल्फिश नहीं हूँ, ठीक है? मैं दुनिया भी क्लियर लोगों की मदद करता है, मैं लोगों की ईमानदारी से काम करता हूँ, ठीक है? तुमने ऐसा क्या काम किया है? तुम एक गरीब बच्चे को 10 रुपये भी नहीं देने के लिए तैयार हो? क्यों दूँ 10 रुपये? वो बच्चा है, उसको भीख की आदत क्यों दिलाऊँ? यार बहुत हो गया। नहीं नहीं क्या बहुत हो गया, आप बात करें ना, बात करने दो। यार देखो सीधी बात है, मैं लोगों की मदद करूँगा लेकिन उन लोगों की मदद नहीं करूँगा जो खुद की मदद करने के लिए तैयार नहीं। और मैं तो मुल्क छोड़ के जा रहा हूँ, मुझे क्या टेंशन है? मैं कनाडा जा रहा हूँ 4 साल के लिए, उसके बाद आऊँगा ही नहीं। हाँ तो भाग रहे हो ना? बेटा भाग नहीं रहा, अपने बेहतर के लिए सोच रहा हूँ। हाँ और मुल्क का क्या? यार मुल्क का टेका पॉलिटिशियन ने उठा लिया है, यार तुम उठा लो, अगर नहीं तो कुछ और ही उठा लो। यार कितनी मैली मैली बातें करते रहते हो। अबे क्या मैला मैला है, बर्गर की औलाद। क्या बोला? हाँ क्या बोला? क्या अबे यार तुम प्लीज बैठ जाओ यार, तुम लोग खड्डा वड्डा करो यहाँ, पकड़े वापे देखिए बस निकलो यार। चलो अबे क्या बका भाई तेरा भाई, मेरी गाड़ी है यार, जल्दी करो यार, घर से अबू का फोन आ रहा है, परेशान हो रहे हैं वो। अबे गाड़ी है जहाज थोड़ी है, जल्दी करो यार। रुको एक सेकंड, मैं सिगरेट लेकर आ रहा हूँ यार, मैं सिगरेट की आदत भी ना बहुत। अबे रुक ना, कुछ नहीं होता। Okay boys, I'm off. See you later. Okay. Screw you, Waleed. Yaar se kya dena? Kate. फरहान क्या कर दिया तुमने? देखा नहीं तुमने बंदा था, गाड़ी मार दी उसको। एक कराता हूँ मैं। नहीं नहीं तुम रुको, पागल हो गए क्या? हम भी यहाँ पे तो हम भी फंस जाएंगे। अभी भी हम यहाँ हैं इसलिए जिंदा हैं,
प्रोग्राम चला है तो शायद मर जाए, अभी एम्बुलेंस भी नहीं आई, पता नहीं आएगी भी नहीं, और तुमने इसका फ़ोन भी फेंक दिया। वली तुम्हें यहाँ पे रुकना, रुको मैं यहाँ पे नहीं फंसने वाला। तो तुमने ये इलाका भी देखा है, यहाँ पे एक भी स्ट्रीट लाइट तुम्हें नजर आ रही है? और ये कौन अंधेरे में कौन चलता है? गलती इसकी है, हमारी नहीं। फरहान देखो गलती चाहे जिसकी भी हो, हम लोग भी गाड़ी केयरलेसली चला रहे थे, तुम यहाँ सिगरेट पीने में लगे हुए थे और मैं अपने फ़ोन में गुस्सा हुआ था। अगर हम ये नहीं कर रहे होते तो अभी इसको गाड़ी नहीं लगी होती। मेरी गलती नहीं है, अगर हम यहाँ पे रुके तो हम दोनों का फ्यूचर यहाँ पे तबाह हो जाएगा। तुम कितने घटिया इंसान हो, यहाँ बंदा मरा हुआ पड़ा था और तुमने अपनी पड़ी है। मैंने यहाँ पे इसका ठिका उठाया हुआ है, मुझे इसकी फिक्र होगी। देखो मैं जा रहा हूँ, अगर तुम्हें चलना है तो चलो, वरना यहाँ पे जेल पे खड़े हुए हो। शिट, वो ठीक तो होगा ना वली? देखो अपने साथ समय करो, मेरे साथ भी प्लीज समय करो, जो हुआ उसको भूल जाओ। ये कोई टाइम है कॉल करने का? हाँ वो फरहान बोलो ना। वो मैं बस तुम्हें सॉरी करने के लिए फोन किया था आज सुबह के लिए। आई एम सॉरी, यू डिजर्व बेटर, यू डोंट डिजर्व मी, एंड I'm sorry. Is everything all right? क्या हुआ? नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। तुम्हें क्यों लग रहा है कोई प्रॉब्लम है? You're saying sorry to me at 6 in the morning. Something has to be wrong. नहीं अभी तो 5:30 होने हैं। वो actually मेरा एक्सीडेंट हुआ था। Oh my God, तुम ठीक तो हो? Are you hurt? नहीं नहीं मैं ठीक हूँ, बस वो गाड़ी का गाड़ी थोड़ी डैमेज हुई थी और पता नहीं बाबा भी क्या बोलेंगे। ड्राइव स्लोली एंड केयरफुली। मैं तुम्हें एक बार बताया कि तुम रात में गाड़ी लेके मत निकला करो, तो मेरी बात सुनते क्यों नहीं हो? तो बताओ आंटी को या तुम मेरी बात सुनोगे? नहीं नहीं मम्मा को कुछ नहीं बताना, वो वैसे भी काफ़ी परेशान है और नेक्स्ट वीक में वैसे भी कैनेडा जा रहा हूँ, और अब से हर बात तुम्हारी मानूंगा मैं। लेकिन मैं जा रहा हूँ सुनने, तो बाद में बात करता हूँ, ठीक है? आई लव यू। ओके बाय, लव यू टू, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। कौन है? आज ही फरहान साहब आए हैं। अच्छा ठीक है मैं आ रही हूँ।
तुम्हारे लिए। विक्टोरिया सीक्रेट? नहीं 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 नहीं, गलत मत समझना, इसमें सिर्फ परफ्यूम है। इट्स ऑलराइट, चिल, बैठे। सो हाउ वाज योर फ्लाइट? I was traveling first class, this time business class. Pathetic. So you know Sadia, my friend, she got married. Sadia? Kaun Sadia? Wo jo model jaisi lagti hai, sabse bahut tareef karte hai. Oh, haan. Haan to jo uski shaadi pe na uska dress itna ajeeb sa lag raha tha, pata nahi usne sara sakina se banwaya tha. Bilkul silver color ka tha aur matlab silver ke saath unne green combination kiya hua tha, beech mein red bhi tha. To bahut ajeeb sa lag raha tha. Bas uska jo dress tha wo acha nahi lag raha tha bilkul bhi aur डिजाइनर भी ऐसी फजूल सा था। बाकी मेरी जो फ्रेंड्स आई हुई थी वो भी इतनी अजीब सी लग रही थी, पता नहीं कहाँ से वो लोग सारे कपड़े खरीद थे। बस वो मेरी बहन ने भी 11th शुरू किया है तो उसने भी नए सब्जेक्ट्स वगैरह लिए और उसका खत्म हो गया ग्रेड भी अच्छा। हाँ, मेरी यूनिवर्सिटी में ना करियर काउंसलिंग वाले आए थे तो इतने सारे जॉब ऑप्शन का बताए थे, उसमें मुझे मैनेजमेंट कंसल्टिंग बहुत पसंद आए, फ्रेंड शायद मैं इसमें जा सकती हूँ। बहुत मैं कन्फ्यूज हूँ ना कि मैं कौन से करियर में जाऊँ। फरहान, फरहान आज उसकी बर्थडे और हमने काफी वक्त से बात नहीं की। क्यों, कोई लड़ाई हुई? लड़ाई तो नहीं, बस बहस हुई थी। Let me guess, तुमने ही कुछ कहा होगा। Why do you think it's my fault? क्योंकि तुम यहाँ बैठी guilty feel कर रहे हो। What should I do then? First tell me what exactly happened. I'm sorry, मैं तुम्हें बता नहीं पाऊँगा, please वापस पूछना मत। ठीक है, but if you want to talk, I'm always here.